यूपी में महागठबंधन बम फूस, कांग्रेस ने सपा बसपा को दिया झटका, गठबंधन के खिलाफ उतारे दो उम्मीदवार, मुलायम के भतीजे को चुनौती देंगे राहुल के उम्मीदवार, अखिलेश डंके की चोट पर कहते हैं कि कांग्रेस से उनका गठबंधन है, विपक्ष मिलकर बीजेपी को चुनौती देगी, लेकिन विपक्ष में से ही आई राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की चाल उनके ही खिलाफ है। यूपी में कांग्रेस ने जिन 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है उनमें से दो प्रत्याशी सपा बसपा गठबंधन को नजर में रखते हुए उतारे हैं। कांग्रेस के दो कैंडिडेट उन सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे जहां से सपा और बसपा के मौजूदा सांसद हैं। पहले उस बयान को सुनते हैं जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस से अब भी उनका गठबंधन है। कांग्रेस हमारे साथ है, गठबंधन में साथ है। आदरणीय मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, आज हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी भी साथ है। कांग्रेस ने जिन 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से बदायूं सीट से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भतीजे अखिलेश के भाई धर्मेंद्र सिंह यादव सांसद हैं। कांग्रेस अब 2019 के रण में उनके ही खिलाफ ताल ठोकेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने सोनिया गांधी के राजनीति से रिटायरमेंट की अटकलों को भी विराम लगाया है। सोनिया की रिटायरमेंट की अटकलें भी खारिज, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी सोनिया गांधी, अमेठी से ताल ठोकेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। सोनिया रायबरेली से 2019 के संग्राम में कमान संभालेंगी, ताल ठोकेंगी और चुनौती भी देंगी, जबकि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से मैदान में उतरेंगे। बहरहाल जिन 11 सीटों पर कांग्रेस ने फिलहाल प्रत्याशी उतारे हैं उनमें से 8 साल 2009 के चुनाव में पार्टी को जीत मिली थी। वहीं सहारनपुर में बीएसपी, जालौन और बदायूं सीट सपा के खाते में गई थी, जबकि 2014 में यूपी से कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली और अमेठी की सीटों पर कब्जा करने की कामयाबी मिली थी। फिलहाल कांग्रेस ने बाराबंकी, सुल्तानपुर, सीतापुर और कानपुर सीट से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। बताया जा रहा है इन सीटों पर पार्टी के अंदर से सिर्फ एक नेता की ही दावेदारी की गई है।